करंट रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन की बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि वो मोदी जी का एक वन ऑफ द जुमला ही है, क्योंकि उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है 8 लाख रुपए पर ईयर की इनकम, जो कि क्लास वन ऑफिसर्स की होती है, इस तरह से उन्होंने 127 करोड़ की जनता में से करीब करीब 110 करोड़ को इंक्लूड कर लिया है। आप देखिए, आप मेरी खुद की सैलरी 60-65 हज़ार थी और मैं क्लास वन ऑफिसर था, तो मैं खुद, मेरे बच्चे भी उसमें रिजर्वेशन में आ गए, लेकिन नहीं आने चाहिए। तो अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड की बात करते हैं, तो आप जब बात करते हो कि हाँ BPL की बात कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की, तो उनकी इनकम आप दिखाते हो 2-2.5 हज़ार रुपये कहते हो, और जब आप इन रिजर्वेशन की इंक्लूड करने की बात कर रहे हो तो सबको इंक्लूड कर रहे हो। तो जब सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे तो फ़ायदा किसको होगा? किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है उन 10% में। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जुमले हैं, चूँकि 80-90 दिन बचे हुए हैं, उसमें ये डेस्परेट हैं कि कोई अटेम्प्ट ले लें, और मुझे लगता है कि ये फरवरी मार्च तक आते आते अयोध्या में भी कोई बड़ी राजनीति ये करेंगे, ताकि उसकी छाप पूरे ऑल ओवर इंडिया जाए। क्या अभी देश को सतर्क रहना चाहिए इन सारी घिनौनी राजनीति से, कि कुछ भी घटित हो सकता है? एकदम एकदम एकदम, बुलंदशहर की तो समझ लीजिए इनकी वो एक तरह से था कि एक बड़ा दंगा हो जाए, इस्तीमा के लोग वापस आ रहे थे, और वो सुबोध सिंह की कुर्बानी थी कि जो बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाएगा। आप याद रखिए कि योगेश राज जो मेन कल्प्रिट था, उसको 50 दिन बाद चूंकि मीडिया में खबरें चलती रही, तब जाके गिरफ्तार हुआ। तो ये तो इनका षड्यंत्र है। अब मुझे तो रियली डर है कि ये जो है 92 की जो 6 दिसंबर की घटनाओं को ये पुनरावृत्ति करने की कोशिश करेंगे, जब इनको लग जाएगा कि ये पूरी सत्ता में आने से नहीं हो पाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।